कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का मजा जंगली जानवर जमकर उठा रहे हैं। यही कारण है कि सुनसान पड़े इलाकों में जंगली जानवर आए दिन सैर सपाटा करने पहुंच रहे हैं। काशीपुर के एक बाग में मादा गुलदार और उसके बच्चों के घुसाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मादा गुलदार ने बाग में बैठे एक कुत्ते को झपट्टा मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों ने कनस्तर पीटकर गुलदार को भगाया और मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। बता दें कि काशीपुर के जसपुर खुर्द में कुंडेश्वरी रोड पर एक बाग में नीरज और रामस्वरूप का परिवार रहकर रखवाली करता है, जहां नीरज ने बुधवार को बाग में मादा गुलदार देखी जिसके साथ दो बच्चे भी थे, जिसके बाद नीरज और उसके परिवार ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे पड़ोसी एकत्रित हो गए, जिसके बाद लोगों ने कनस्तर बजाकर गुलदार और उसके बच्चों को भगाने में सफलता हासिल की। लेकिन गुलदार देर रात द्रोणा सागर टीले की ओर से पुनः बाग में आ गया और बकरी और कुत्ते पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। वहीं लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी टीम के साथ तेंदुए और उसके बच्चों को पकड़ने की तैयारी कर रही है। वन विभाग अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के समय जंगली जीव सुनसान पड़े इलाकों और खेतों में आ रहे हैं, जिसको समय समय पर वन विभाग के अधिकारी पिंजरा लगाकर पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सही खबर है, और ग्रामीणों द्वारा मादा गुलदार को और उसके बच्चों को देखा, निश्चित ही देखा गया होगा। हमारे कर्मचारियों द्वारा निरंतर जो है गश्त की जा रही है, और यहाँ पे जो है मैदानी क्षेत्र में गुलदार जो है अक्सर जो है गन्ने के खेतों में अपने बच्चों सहित जो है अपने छुपाए रखता है, तो निश्चित ही ग्रामीणों को दिखाई दिया होगा। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर जो है हमारे कर्मचारियों द्वारा गश्त की जा रही है, और जहां विशेष शिकायतें प्राप्त हो रही है हमारे विभाग द्वारा जो है गुलदारों को कैद करने के लिए पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। जंगली जानवर जो है, जो गुलदार है वो जो है घने जंगलों में जहाँ टाइगर है, टाइगर से डर की वजह से जो है खेतों में गुलदार जो है अक्सर छुप जाता है, और वहीं अपने बच्चों को भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जो है रखता है। और जहाँ जहाँ भी शिकायतें प्राप्त हो रही है, हमारे कर्मचारी रात दिन जो है लगातार गश्त कर रहे हैं, और जहाँ ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वहाँ जो है पिंजड़े भी ग्रामीणों के अनुरोध पर लगाए जा रहे हैं। कमरे भी लगा रखे हैं और पिंजड़े लगा रखे हैं, अभी दिखाई नहीं दिया, नहीं पुष्टि भी नहीं कहीं पिंजड़े में कैद हुआ ना, लेकिन निरंतर हमारे कर्मचारियों द्वारा गश्त की जा रही है, और ऐसे भय का माहौल नहीं है। हम क्योंकि बगल में जो है कार्बेट पार्क है, और निश्चित रूप से हम अगर जंगल के बगल में रह रहे हैं तो हम सभी लोगों को जो है गुलदारों के साथ जो है लिविंग विद द लेपर्ड को मानते हुए अपने को जो है वन्य जीवों के साथ साथ हम भी रहें और वन्य जीव भी रहें, इसी के अनुसार हमको व्यवहार करना चाहिए।